मेरी सास और मेरे देवर सब कुछ ठीक हो जाएंगे सारे। अगर सारे अगर वो ले जाए ना आपको तो अपने घर जाकर ना ये नोट कर लें जी जी 45 बार अलहमद शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वलद्दालीन तक 45 बार पढ़कर वहाँ जो नमक और चीनी है ना किचन में जी जी। तो उस पर दम करें, सारे लोग खाएं पिए, इंशाल्लाह ससुराल आपके साथ अच्छे रहेंगे। मुझे जरा ये आपकी आयत की समझनी है जो 45 दफा पढ़नी है। 45 फातिहा, सूरह फातिहा, फातिहा, अलहमद शरीफ, अलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन। अच्छा अच्छा ठीक है, फातिहा जी। चलिए जी, ठीक है जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वो सोने पर पानी के हवाले से, पानी की कोई बात। अच्छा, एक हदीसे मुबारका के हवाले से भाई ने पूछा है कि फर्ज नमाज मत जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बात कर रहे जी। आप पूछे ना भाई, भाईजान मुन्ना साहब, अगर शोहर अपनी बीवी को टेलीफोन पर तलाक दे देता है तो आया इस तरह तलाक वाजिब हो जाती है? तलाक तो हो जाती है, बेशक वो टेलीफोन पर कहे, खत पर लिख भेजे या कुछ भी ना किसी को बताए, अपने घर में बैठा हो लोगों के सामने कह दे कि मैंने तलाक दे दी, तलाक तो होगी। तलाक तो होगी मौलाना साहब, पर शोहर अगर बीवी के बाप को टेलीफोन पर तलाक का 3 दफा यूज कर लेता है और अपना क्या नाम है बीवी का इस्तेमाल नाम इस्तेमाल नहीं करता तो इस वक्त भी आया तलाक? गैर बात, तलाक तो बीवी को ही देगा। चलिए मौलाना, फिर आ रही है कॉल उनकी, तो उतनी देर में उस सवाल का जवाब दे दें कि फर्ज मस्जिद के अंदर अदा कर लिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो शेर का घरवाले इसके बारे में जी, ये शेर के बारे में, शेर के हवाले में, ये जो शेर का लेन देन होता है जी, इसके हवाले से पूछ रहे हैं। तो मौलाना ने बताया कई दफा की जायज है ऐसा, वो शरायत तो दूसरी तजारत में भी आप देखें, अगर झूठ बोलते हैं लोग, गलत बयानियां कुछ करते हैं तो अलग बात है ना, उससे तो दूसरी तजारत भी खराब हो जाती है, बताते खुद शेर का कारोबार ठीक। अच्छा, ये कहते हैं कि इसको कब्जा में लेना जरूरी है और कब्जा 3 दिन में होता है, इससे पहले बेचना जायज नहीं है। ये कब्जे ही है, अब कब्जे की नौयत बदल गई ना, वो जो था कि हाथ में करा दी चीज, उसके बजाय ये कागजात जब एक दूसरे को मिल जाते हैं कब्जा ही होता, पक्का कब्जा। ये 150 का नोट भी है, ये भी कब्जा ही है, असर तो पता नहीं कहाँ पड़ा है हमारा। कब्जा हो जाता है इस तरीका से, अब कब्जा बदल गया इन चीजों का। अच्छा, कागजात चीजें ना वही काफी। बहुत मेहरबानी क्या हदीसे पाक, वो कह रहे हैं कि फर्ज नमाज मस्जिद के अंदर अदा कर ली, सुन्नतें घर आके पढ़ना, वो कहते हैं मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है, ये हदीस है कोई जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताहिर भाई, अवैस बोल रहे हैं फैसलाबाद तो, लाहौर तो। जनाब अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना साहब की खिदमत से भी उदास ही कर दिया आपने, तो आए ना किसी दिन हमारे यहाँ? बिल्कुल भूल गए अवैस। नहीं मौलाना, हर वक्त याद है, हर वक्त याद है, ना कोई बात कभी नहीं, कोई आए ही नहीं, ना वो प्रोफेसर अशरफ साहब भी कभी आए, वो भी आज जिक्र कर रहे थे आपकी किताबें मैंने दी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कल किताब पढ़ के सोता, एक किताब कल शफीक दे के गया, किताबें मिल गई आप? मिल गई है मौलाना, बड़ी खुशी है, वो अशरफ साहब से को भी उनको भी दे दी है। एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आपसे अगर एक किताब का सेट चाहिए जिसपे आप ना, हम तो कल जा रहे हैं डॉक्टर इसरार से मिलने के लिए, उनको सेट देने के लिए किताब का, माशाल्लाह। तो एक ये था कि अगर आप अपने हाथ से लिख देते उनके नाम तो वो भी मिल जाती तो बेहतर थी। बहरहाल कल हम जा रहे हैं तो किस तरह पहुंचे, लिखने को तो कोई बात नहीं, मैं भी लिख देता हूँ, मगर वो किताब आप तक कैसे पहुँचेगी? वहाँ से डाइवो पे करवा दे, मैं ले लूंगा। अच्छा, हाँ डाइवो पे करवा दे, मैं ले लूंगा, करा देंगे, बस हो गई बात, बच्चे भेज देंगे आप। अच्छा, सवाल मेरा ये था मौलाना कि आजकल जो आपको पता है जो हालात है मुल्क पे, जो अजाब आया हुआ है, तो इस दौरान अगर कोई हमारा रिश्तेदार उम्रे पे जाना चाहता है तो हम क्या शरई तौर पर उसे रोक सकते हैं कि भाई घर में मुसीबत पड़ी हुई है, जितने पैसे वहां लगने हैं, तो क्या शरई तौर पर हमें इजाजत है कि हम उसे फोर्सली कह दें या वो जाता है तो जाए? मौलाना बड़ा अहम मसला है, पूरी दुनिया बिस्तर बांध के तैयार बैठी है उम्रे के लिए जाने के लिए, तो आपका जो जवाब है? जवाब तो सही है, बस यही है, आपने कई मरतबा मुझसे सुना भी कि ऐसे हालात में उम्रे से सदका जो है ये 1000 दर्जा बेहतर है, मगर क्या करें, लोग नुमाइश के आदमी हैं, इन बातों पर फख्र करते हैं, मैंने इतने उम्रे कर लिए, ये नहीं देखते कि इस वक्त शरीयत की नजर में किस शय को तरजीह हासिल है, ये भी गुनाह में आता ना कि जैसे एक्सेस डूब रहा हो आप नफल शुरू कर दें, तो नफल तो अपनी जगह बहुत आला चीज है, मगर इस वक्त तो वो गुनाह में आते हैं ना कि वो शख्स भर रहा है आपको नफलों की सूझी,
तो जो हालात हैं इनमें वाकई बेहतर तो यही है कि लोग अपनी रकम इन लोगों को दें। वो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह का वाकया आपने सुना ही है कि तो चाहिए तो यही, और इस पर बहुत तफसील से लिखा अल्लामा शामी ने अपनी रद्दुल मुख्तार में, तो यही साबित किया है कि सदका जो है अफजल है नफली हजों उम्रों से। जब हालात ऐसे वो एक वाकया भी शायद इस तरह का कि एक वो बेटी उठा रही थी ना मुर्दार, वो दरवाजे फरमाते ताकि आज जिन लोगों ने नवाए वक्त देखा है ना उसमें एक आदमी का मजमून इसी पर है। अच्छा। बहुत अच्छा लिखा उसने एडिटोरियल वाला सफा जो है ना उससे आगे जो है सफा उस पर। अच्छा। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक का भी रहमतुल्लाह का वाकया उसने बड़ी डिटेल से लिखा आज की अखबार में, आज की अखबार। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल। उस बेचारे ने इस्तेदा किया कि खुदा के लिए हाजी भाई और उमरे वालों मेरी बात मान लो। अच्छा। तुम्हें हज और उमरे से ज्यादा सवाब मिलेगा, मगर ये कब्रस्तान में अजान देने वाली बात है ये मुर्दे सुनते नहीं, अंधे बहरे हो चुके हैं, अपनी मर्जी करते हैं, दीन को नहीं देखते कि दीन अगर सवाब ही ले रहा तो यहाँ बैठे ज्यादा मिल रहा दे दें। ठीक है। अच्छा मौलाना, दूसरा ये था कि एक थोड़ी सी उलझन थी वो अगर आप दूर कर दें तो ये बताएं कि ये अजाब तो है नो डाउट। एक बात तो वैसे उसने जो ताजा लिखी ना उसमें, ये मैंने शामी में पढ़ी थी मगर और किसी का वाक्य, मगर इसमें उसने लिखा कि जब उस बच्ची ने बताया ना कि मैं ये मुर्दार बदखसरी उठा रही हूँ हमारे पास कुछ नहीं, तो पहले उसने इन्हें कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से जावे, उन्होंने कहा कुछ तारफ कराओ। उसने कहा जब तुम रौजा रसूल पर जाओगे ना तो वहाँ कहना कि अल्लाह के रसूल तेरी बच्चियां मुर्दार खाने पर मजबूर हो गई। फिर इन्हें पता चला कि ये तो आरे रसूल में से, तो बड़े रोए। और हजूर ने ख्वाब में कहा कि अब्दुल्ला हर साल हज में अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर कर दिया तेरी शक्ल का, जो क्यामत तक हज करता रहेगा उसका स्वाब तुझे मिलेगा। तूने मेरी रूह को ठंडा किया कि मेरी एक बच्ची खरीद तो तूने पैसे दिए। वो मजमून पढ़ने वाला बहुत अच्छा लिखा उसने एडिटोरियल में। चलिए वैसे भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सिर्फ एक ये छोटा सा सवाल था कि अगर ये पूछना था कि मौलाना अफेक्ट तो ज्यादातर देखे जो है तो नो डाउट जुल्म वाले हैं। हेलो जी, तो ये था कि देखें अगर अमेरिका में भी आया है तो उसमें भी अफेक्ट गरीब लोग ही हुए हैं, और यहाँ भी कश्मीर में जो पाकिस्तान में जल्द आया अजाब है अफेक्ट तो गरीब ही हुए हैं ज्यादा, तो जिनके हैं मोहल्लात वो तो बने हुए हैं। तो इसकी थोड़ी सी तजी कर दीजिए अगर वक्त अभी है, नहीं तो जुम्मे में ये इस बात की कर दीजिएगा। नहीं इंशाल्लाह वहां भी करूंगा, मगर आप सुन लें कि ये जो है ना अगर बचे हुए ना मरलों वाले तो इनको बेचला मिल गई, जल्दी तो यहाँ भी आए थे ना काम पी रही जमीन, अगर थोड़ी सी मदद मिल गई है तो अगर नहीं ये बंदे बनेंगे तो बस फिर भाई इसका मतलब ये है कि ये इससे ज्यादा सजा चाहते हैं, ये अपना पैमाना लबरेज करके गुनाहों का मामूली नहीं फिर बहुत बड़ी आफत को चाहते हैं जो इनकी गर्दनें तोड़ दे। तो अल्लाह के यहाँ उसकी भी कोई कमी नहीं है, मगर अल्लाह तौफीक दे कि सब हुक्मरान भी रहा भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, तौबा कर लें, अपने आप को बचा लें, वरना अल्लाह ने बड़े बड़े फिरौन और नमूद दिए नहीं दंसा दिए। जज़ाकअल्लाह खैर मौलाना ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यही बात, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे हैं, मकी हो गए बेमकां कैसे, बड़े बड़े अल्लाह ने खत्म कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछना था कि औरतें जो नमाज पढ़ती हैं जी जी, तो वो अपने बालों को बांध लेती हैं कैचर के साथ लगा लेती हैं जी जी, ऊपर कर लेती हैं, हाँ हाँ, तो क्या उस हालत में नमाज हो जाती है? ये औरतें नमाज पढ़ते वक्त यहाँ अपना जूड़ा सा कर लेती हैं, हाँ जी, हाँ जी, पिन के साथ लगा लेती हैं या रबड़ के साथ ऊपर बांध लिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो ममानत है ना वो मर्दों के लिए है कि मर्द ने अगर किसी ने बड़े बड़े पट्टे रखे हुए हैं और पीछे इस तरह उनको कर ले माकूस अरबी में उसको कहते हैं, ये आपने मना किया एक साबी पर रहे तो मुराद गुत की तरह, हाँ बिल्कुल, यहाँ ना इकट्ठे करके वो बना दे चूंडा सब वो खोल कर रखने चाहिए, गुत बना ले ये खुले रखे मर्द के।